मुझे सामईन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद राशिद है और मैं रॉय स्टोक हॉस्पिटल स्टोक ऑन ट्रेंट के शोभा इमराज दिल में बतौर रजिस्ट्रार काम करता हूँ। आज की इस वीडियो का अनवान है रमज़ान और हिफ्जाने सेहत। इस सिलसिले में मैं आपके साथ रोज़े की जिस्मानी अफादियत के ऊपर कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। जदीद तहकीक ये बात अब साबित करती है कि रोज़ा इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद और कारामद है। दिन में 12 से 14 घंटे मसलसल भूखा रहने से इंसानी जिस्म के अंदर इंतहाई मस्बत तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं। इसके नतीजे में इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद फालतू चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है और जिस्म के अंदर मौजूद जहरीले और गैर ज़रूरी मादों की मकदार भी कम हो जाती है। ये भी देखा गया है कि रोज़ा रखने वाले अफराद की कुव्वत मदाफ़त बढ़ना शुरू हो जाती है। इन सब के नतीजे में इंसानी जिस्म को लाहक होने वाली बीमारियां, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज वगैरह शामिल हैं, इनके लाहक होने का ख़तरा कम हो जाता है। बल्कि ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि रोज़ा इंसानी बीमारियों के खिलाफ, हत्ता के कैंसर जैसे मौजी मर्ज के खिलाफ भी एक ढाल है। रोज़े के इन जिस्मानी फवायद को हासिल करने के लिए ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि हम रमज़ान के दौरान हिफ्ज़ाने सेहत के अच्छे असूलों को अपनाएं और अपने खाने पीने की आदात और अपनी ग़िज़ा के ऊपर ख़ास तवज्जो दें। ये भी बात समझ लें कि रोज़े को जिस्म की ज़कात के मानित करार दिया गया है। इसकी मिसाल आप इंसानी जिस्म को एक बैंक अकाउंट की तरह समझ सकते हैं। अगर आपकी आमदन आपके अखराजात से ज़्यादा होगी तो इसके नतीजे में बैंक अकाउंट में पैसे हमेशा मौजूद रहेंगे। इसी तरह अगर खाना ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो वो आपके जिस्म में चर्बी की सूरत में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में हम अक्सर रमज़ान के दौरान भी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। एक और अहम बात ये भी ज़रूरी है कि रोज़ा रखने के दौरान पेट 12 से 14 घंटे खाली रहता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग, दिल, फेफड़े और गुर्दे अक्सर आराम की सूरत में होते हैं। रफ्तारी के दौरान एकदम बहुत ज़्यादा मकदार में खाना खाने की वजह से आपके मेदे और अंतड़ियों के ऊपर एकदम से दबाव पड़ सकता है, जिसके मुजरे सेहत असरात भी हो सकते हैं। इसीलिए ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि हम इफ्तार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करें। इसलिए आप इफ्तारी में खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि इफ्तार करने के साथ एकदम ज़्यादा मकदार में खाना ना खाएं और थोड़ा सा वक्फ़ा कर लें, जिसमें अमूमन हम मगरिब की नमाज भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप एक और अहम चीज़ को जहन में रखें कि अपना दस्तरखान सादा से सादा रखें। घर में तली हुई चीज़ें, खसूसी तौर पे पकोड़े, समोसे या ज़्यादा नमकियात वाली चीज़ों को बनाने और खाने से इज्तनाब करें। आप इफ्तारी में ताज़ा सब्ज़ियाँ और फल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा ताज़ा जूस आपकी सेहत के लिए कारामद साबित होगा। इसी तरह सहरी के दौरान आप बग़ैर छने हुए आटे की रोटी या डबल रोटी, अंडा, दूध या दूध से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल ज़रूर करें और कोशिश करें कि नमक वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए या बिल्कुल ना किया जाए। इसका फ़ायदा आपको दिन में रोज़े के दौरान प्यास ना लगने या कम लगने की सूरत में मिलेगा। एक और अहम बात यह भी है कि रमज़ान में कोशिश करके आप थोड़ी बहुत वर्जिश रोज़ाना की बुनियाद पे ज़रूर करें। मसलन आप
असर और मगरिब के वक्त के दौरान अफ्तारी से पहले अगर 15 से 20 मिनट सिर्फ तेज़ रफ्तार चहलकदमी कर सकें तो वो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। एक आखिरी बात, वो लोग जिनको किसी किस्म का मर्ज है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का कोई मसला है या फिर फेफड़े या गुर्दों की कोई बीमारी है, तो उनको चाहिए कि आप अपनी गिज़ा के मुताबिक के लिए अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर करें, ताकि रोज़ा रखने से आपकी सेहत पे कोई बुरा असर ना पड़े। अगर आप इन अच्छे हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप रमज़ान के दौरान अपना वज़न 2 से 4 किलो कम कर सकते हैं और पहले से ज़्यादा तरोताज़ा और सेहतमंद महसूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे लिए दुआ करें, और इंशाल्लाह हमें अल्लाह रमज़ान के फैज़ और बरकात से बहरमंद होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।